खबर मस्ती से जहां नगरपालिका ने झूला घर में झूला हटाए जाने पर कुछ लोगों ने जमकर विरोध किया। नवीन रस्तोगी द्वारा लगाए गए झूले को मसूरी नगरपालिका प्रशासन ने भारी पुलिस बल के बीच हटा दिया, जिसके बाद पालिका प्रशासन को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिस पर पुलिस को हस्तक्षेप कर झूला हटाने की कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। झूला संचालक नवीन रस्तोगी ने कहा कि यहाँ पर पूर्ण का झूला लगा था, जिसकी नगर पालिका से 99 साल ही लीज है और झूला संचालन का लाइसेंस भी है। उन्होंने कहा कि 2016 में झूला कर का सौंदर्यकरण का कार्य इसी शर्त पर शुरू हुआ कि सौंदर्यकरण करने के बाद सभी को दुकानें दी जाएंगी और झूला भी लगाया जाएगा, लेकिन 7 साल बीतने पर भी झूला नहीं लगा। जब पालिका अध्यक्ष से बात की तो उसके बाद ही झूला लगाया गया। वहीं नगर पालिका ईओ राजेश नेथानी का कहना है कि गत रात्रि को किसी ने अवैध तरीके से झूला लगा दिया, जिस पर पालिका ने एसडीएम और पुलिस से संपर्क किया, झूला हटाने का संपर्क किया। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। ये बहुत पहले कभी यहाँ पे झूला लगा रहा होगा, क्योंकि 8-10 साल से तो मुझे जानकारी है कि यहाँ पे कोई झूला नहीं था। इनके द्वारा कल रात में बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अनुमति के एक झूला ला के यहाँ पे पुराना खड़ा कर दिया गया, जिसकी जानकारी हमें सुबह प्राप्त हुई। इसके बाद मेरे द्वारा SDM सर के संज्ञान में लाया गया, कोतवाल साहब से बात की गई और ये हुआ कि झूले जो अवैध रूप से लगा हुआ है इसको तत्काल हटाया जाए। 8 साल पहले जब तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल जी और उनकी बोर्ड द्वारा झूलाघर का नव निर्माण की बात करी गई, तो झूलाघर तोड़ने की बात हुई, झूले के हटने की बात हुई, नए झूले लगने की बात हुई। इस पूरे परिपेक्ष में ये साफ था कि जो नया झूला है वो रस्तोगी परिवार द्वारा लगाया जाएगा, नवीन रस्तोगी जिसके आज इनके पुत्र हैं, और साथ साथ समस्त झूलाघर के व्यापारियों को नई दुकानें दी जाएंगी, जिनका नव निर्माण नगर पालिका और MDD द्वारा किया जाएगा।